नमस्कार, कैसे हैं आप? साइबर क्राइम के कई सारे केस आपके समक्ष आते होंगे। कई बार आपके फोन पे, कई बार आपके रिश्तेदार बताते होंगे कि उनके साथ कैसे ठगी हो गई। किसी ने उन्हें ऑफर किया कि आपकी लॉटरी लगी है, 4 लाख की लगी है, 10 लाख की लगी है, बस आपको करना यह है कि 1 रुपये बस इस पे डालना है, एक OTP आएगी वो बता देना है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। मेरे पास भी एक शिकायत आई थी, एक मेरे व्यूअर्स ने कहा कि मैंने आपकी किताब बुक कराई, पत्रकारिता का काला अध्याय, 2 कॉपी, कोरियर वाले उसे लेकर आए भी और फिर लेकर चले गए, कहा कि आपका OTP नंबर गलत है। फिर उन्होंने गूगल पे सर्च किया उस कोरियर को, फिर उस वहां से एक फ्रॉड के जाल में फंस गए और उनका 2 टर्म नहीं 3 टर्म में 20,000 रुपए निकाल लिए। ऐसे कई शिकायत हमारे पास भी आते हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के रूप में लोगों को जो जान पहचान वाले उन्हें लगते हैं किससे निजात दिला देंगे। लेकिन एक ऐसा ही व्हाट्सएप पे, इस बार कोई कॉल नहीं आया, एक व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज आया है जो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि वो पैसा 25 लाख कह रहा है कि आपके इस व्हाट्सएप पे, मेरा नाम नहीं बता रहा वो, जो ऑडियो है उसे पहले आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। नमस्कार सर, सर मैं KBC से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज, जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कांग्रेचुलेशन, वादाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5,000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी, 5,000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से। जी ये कह रहा है कि 25 लाख रुपए का आपका KVC का लॉटरी निकल गया है और अपना नाम ये राजेश शर्मा बता रहा है, मुंबई के कस्टमर ऑफिस, KBC के कस्टमर ऑफिस से बता रहा है। नाम राजेश शर्मा, मुंबई का कस्टमर ऑफिस, प्रोनाउंसिएशन से भी लग रहा है कि इधर का है। लेकिन ये जो नंबर है, जिस नंबर से ये व्हाट्सएप आया है, ये नंबर और इस नंबर, ये नंबर पाकिस्तान नंबर का है। आप ऊपर देखेंगे इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान का नंबर है और फ्रॉम पाकिस्तान, और ये 92 जो कोड है वो 92 कोड भी जो है वो पाकिस्तान का है, 92588-2892। और जब ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। लॉटरी नंबर भी ये बता रहा है कि आपका ये लॉटरी नंबर है, आप इसी नंबर पे जनरल कॉल नहीं करना है, आपको कह रहा है जनरल कॉल आपको नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप कॉल करना है, व्हाट्सएप कॉल करना है 92588-2892 पे, और व्हाट्सएप कॉल करके आपको ये लॉटरी नंबर अपनी बतानी है। आपको जनरल कॉल पे कोई आपसे बात नहीं करेगा इस पे, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल के बारे में एक धारणा है कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए इस पे ज्यादातर फ्रॉड करने की संभावनाएं हैं। जब आप इसे पलट कर फोन करेंगे, ये पाकिस्तान का नंबर है, आप बहुत सारे साइबर केस में फंस भी सकते हैं, इसलिए इस तरह के नंबर पे कॉल बैक करने से बचना भी चाहिए। लेकिन एक भिखारी देश, इंटरेस्टिंग ये है कि ये फ्रॉड KVC के नाम पर भारत की जनता से भारत में कराया जा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस नंबर पे मेरा फोन आया है उस नंबर का इस्तेमाल आमतौर पे मैं उस नंबर का इस्तेमाल मैं जनरली करता नहीं हूं, क्योंकि उस वो नंबर मैंने लाइव करने के लिए रखा हुआ है।
ताकि जिस नंबर से आप जो पब्लिक नंबर है उस पर कई बार कॉल कर दिया था लाइव के समय में डिस्टर्ब हो जाया करते थे, तो वो नंबर पब्लिक नंबर है और नहीं है और वो नंबर झारखंड का नंबर है। और मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि इस नंबर पे एक किसी ने मुझे व्हाट्सएप से जोड़ा था और वो महिलाओं को ऐसा लगा मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करने वाली कोई संस्था थी जिसका ये नंबर किसी का रहा होगा। भारत सरकार से ये जरूरी है कि इस तरह के जो नंबर से जो फ्रॉड आ रहे हैं ये पैसे, इसका मतलब समझिए कि भारी जो भिखारी हो चुका पाकिस्तान है वो भारत में ऐसे वर्ग आराम तौर पे, मैंने जब बैंक के कई स्टाफ से मेरी बात होती है कुछ लोगों से तो कहते हैं कि आम तौर पे लोअर मिडिल फैमिली के लोगों को ये ठगने का काम करते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, नया नया मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इंडिया में, आज तक जो है इंटरनेट बैंकिंग की हो चुकी है शुरुआत, तो ज्यादातर जो बैंकर्स हैं वो हमें बताते हैं कि जो ये फ्रॉड होता है वो लोअर मिडिल फैमिली के लोगों के साथ ज्यादा होता है। ये कम आय वर्ग के लोगों के साथ ज्यादा ठगी करते हैं क्योंकि उनके ट्रैप में जल्दी आ जाते हैं, छोटे मोटे लोभ में वो जल्दी आ जाते हैं। वो नया नया मोबाइल उन्होंने रखना शुरू किया है, ये तुरंत लखपति करोड़पति बनने का जो उनका जो एक लोभ होता है उसके वो शिकार हो जाते हैं। तो ये नंबर आप देखिए कि लॉटरी नंबर, ये कह रहा 4455 आपका लॉटरी नंबर है, ये आप बताएंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे, आप कॉल करेंगे और वो कॉल करते ही आपको उधर से जवाब आएगा, जैसे जैसे आपको कहने को कहा जाएगा वैसे कर दिया जाएगा। नंबर साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का है, ये जो कह रहा है वो लिख भी रहा है, नमस्कार आपके लिए गुड न्यूज है, हाय आपके नंबर पर लॉटरी लगा है 25 लाख रुपए का, आपको बधाई, ये लॉटरी केबीसी जीआईओ विभाग में जिन लोगों को लक्की ड्रॉ के लिए लिया गया उनके नाम हैं अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी की तरफ से लगा है, कृपया करियप करके कंपनी के, मतलब इस तरह का जो है वो उसने रिकॉर्ड करके ऐसा कुछ डाला हुआ है कि ये इन लोगों का किस का जो है मान्यता प्राप्त है। तो ये समझने की जरूरत है कि खुलेआम इस ढंग का खेल हो रहा है। एक भिखारी देश जो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जो गधे बेच करके चाइना से गधे बेच के खा रहा है, जिनके यहां आटा के लिए झपटमारी हो रही है, दुनिया में सबसे बर्बादी के कंडीशन में है, तो इस रमजान के महीने में अपना रोजा इफ्तार करने के लिए यही धंधा अपनाया है। तो आप इस नंबर को पहचानिए और इस तरह के किसी भी फ्रॉड के शिकार होने से बचिए, इनको इस तरह के कॉल बैक से भी बचिए। आमतौर पे बहुत बड़े मेरे बचपन का एक दोस्त है, उसके साथ भी इसी ढंग का फ्रॉड हुआ, वो छोटा मोटा एक काम करता है, उसके लिए 2 लाख रुपए उसके साथ ठगी हो गई। और जब मैंने बैंकर से बात की तो कहा कि आमतौर पे लोग ओटीपी साझा कर देते हैं और जब आप ओटीपी साझा कर देते हैं तो फिर बैंक भी आपका कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इससे लगता है कि आपने ओटीपी अपने किसी जानकार को साझा किया। इसीलिए बैंक आरबीआई आपको लगातार सचेत करता है कि आप किसी भी ढंग का कोई भी ओटीपी किसी के साथ साझा मत कीजिए। लेकिन इस फ्रॉड को देखिए, ये बड़े पैमाने पर भारत के अंदर, और यकीन मानिए कि ये इस तरह का फ्रॉड जो है वो मुस्लिम समाज के अंदर करना किया जा रहा है, क्योंकि जो नंबर मेरे पास जिसका ये नंबर पहले हो सकता है रहा होगा वो मुस्लिम इस्लाम पंथ मानने वाले थे, क्योंकि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था जो महिलाओं को एक तरह से इस्लामिक शिक्षा देने के लिए ग्रुप बनाया गया था, उस ग्रुप में इस नंबर को जोड़ा गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और ठगी जो आपके साथ होता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका कई बार आपके अपनों की होती है। तो ये पाकिस्तान से ये कॉल निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के ही किसी व्यक्ति का ये नंबर जान करके किया गया ठगने के लिए। तो सोचिए पाकिस्तान भी भारत में किन लोगों को ठग रहा है जो तेरा मेरा रिश्ता करने का यहां पर के लिए बेचैन पड़े हुए हैं। तो कोई भी हो, आप इस तरह के फ्रॉड से बचिए, और इसके लिए जरूरी है कि कभी भी किसी भी कंडीशन में आप अपने ओटीपी कभी साझा मत कीजिए। और उम्मीद करता हूं ये बात भारत के आईटी मंत्रालय तक ये जाएगा, ये नंबर वहां तक पहुंचेगा और इसकी जांच होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।